त्योहारों का मौसम आ गया है और त्योहार में तो मिठाई हर घर में बनती है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही फेमस मैसूर पाक की रेसिपी। इस रेसिपी में आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब सिर्फ बेसन चाहिए, चीनी चाहिए और घी चाहिए। इसे बनाना बहुत आसान है और मैंने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया है, जिससे आप फर्स्ट टाइम में ये मिठाई एकदम परफेक्टली बनाएंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार बहुत ही फेमस मैसूर पाक की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मैसूर पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हम सबसे पहले छान लेंगे। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप यूज़ किया है, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई दूसरा बर्तन यूज़ करें, बस ध्यान रहे कि चीनी और घी का मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम बर्तन से करें। तो यहाँ पे बेसन को अच्छे से छान लें ताकि इसमें जो बड़े टुकड़े रहे वो निकल जाए। हमें जो मैसूर पाक का टेक्सचर ना वो स्मूथ चाहिए, तो इसके लिए छानना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन को ऐसे घी से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये माइक्रोवेव वाला बर्तन लिया है, आप इसकी जगह कोई प्लेट ले सकते हैं, लेकिन किनारा ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमें इसे जमाना है। ऐसे वाले प्लेट में ये अच्छे से सेट नहीं होगा, ये देखिए। तो आप चाहिए तो केक कटिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वाले बर्तन में मैसूर पाक को सेट करूँगी, तो इसे घी से अच्छे से ऐसे ग्रीस कर लें ताकि वो चिपके नहीं इसमें। तो अब हम चलते हैं मैसूर पाक बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए यहाँ पे एक बर्तन रखा है मैंने, इसमें हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे। 1 कप बेसन के लिए 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे चीनी डाल दिया मैंने, चीनी को अच्छे से स्प्रेड कर दें और इसमें हमें पानी उतना ही डालना है जितना में चीनी जो है वो अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है, ये देखिए ऐसे स्प्रेड कर दें। बस चीनी को उसमें भिगोना है, तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और हमें इसे लो फ्लेम पे 15 से 16 मिनट तक आराम से पकाना है। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि एक तार की चाशनी जो है वो नहीं बन जाए। इस मिठाई को बनाने के लिए एक तार की चाशनी को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तार की चाशनी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चीनी जो है वो डिफरेंट स्टेज पर हम चेक करते रहेंगे और इसे ऐसे मिलाते रहेंगे। 15-16 मिनट बाद हम देखेंगे कि चाशनी यहाँ पे गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हाथों से चेक कर ले, तो थोड़ा सा ऐसे स्पैचुला में लेके और उसे हल्का सा ठंडा कर ले, उसके बाद ऐसे ऐसे करके देखिए, ये देखिए जैसे ये ठंडी होगी यहाँ पे एक तार बनने लगेगी, ये देख सकते हैं आप। तो बस यहाँ पे चीनी एकदम सही से हमने पका लिया है, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो बेसन डालते वक्त ना एक हाथ से ऐसे बेसन डाले और दूसरे हाथ से ऐसे मिलाते रहे ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। अगर आपके पास विस्कर है तो विस्कर का इस्तेमाल करें, उससे इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसे ऐसे मिलाते रहें और ये जो पूरा बेसन है मैं डाल देती हूँ। ध्यान रहे कि हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, जब हमने चीनी को मेल्ट किया तब भी लो रखना है और यहाँ पे ये बेसन को पकाने में भी लो रखना है। हमने बेसन को रोस्ट नहीं किया है, इसकी वजह से इसे धीमी आँच पर हमें अच्छे से पकाना पड़ेगा ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा है। जैसे ही बेसन और चाशनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे घी। तो घी हमें एकदम जी भर के इस्तेमाल करना है, मतलब 1 कप घी तो आप आराम से यूज़ करें। घी को बारी बारी से ऐड करना है, एक साथ पूरा घी नहीं ऐड करना है। तो 1 कप बेसन लिया है मैंने, 1.5 कप चीनी लिया है और यहाँ पे 1 कप सेम कप से मैंने घी लिया है। घी आप चाहिए तो 1/4 कप भी यूज़ कर सकते हैं, घी जितना ज़्यादा डालेंगे मिठाई उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी वापस डाल देती हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैसूर पाक बनाने में घी का जो इस्तेमाल है वो बारी बारी से करना है, एक ही बार पूरा घी नहीं डालना है। 1 चम्मच घी डालें, उसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाएं और जैसे ही बेसन जो है ना वो घी को एब्जॉर्ब कर ले, वापस 1 चम्मच घी डालें और वापस पकाएं। इससे बेसन जो है वो अच्छे से पक जाएगा और मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर अभी तक मैंने 3 चम्मच घी डाला है, लो फ्लेम पे इसे पकाते रहें। हाथों में थोड़ा सा दर्द होगा तो आप चाहिए तो अगर कोई और मेंबर है तो उसे दे दे ऐसे मिक्स करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसे मिलाना आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 3 चम्मच घी डाला मैंने, मिलाते रहें। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा कि बेसन जो है वो पक गया है। तो बेसन जो है ना वो खुद से पैन से अलग होने लगेगा, मतलब बेसन हमारा अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर लास्ट ये जो बचा हुआ घी है वो मैं डाल देती हूँ और इसके बाद वापस इसे मिक्स करें। अगर आपको बेसन का पकना नहीं समझ में आ रहा है तो आप घड़ी देख के 16 से 18 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे ऐसे पकाएं, उससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है और घी जो है वो पूरा डाल दें। 1 कप बेसन के लिए 1 कप घी आराम से इस्तेमाल करें, आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो पैन से अलग होने लगा है, तो गैस को बंद कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अब हम इस मिक्सचर को ठंडा नहीं करेंगे, तुरंत इसे जो हमने बर्तन ग्रीस किया है ना उसमें डाल देंगे। ये प्रोसेस आपको फटाफट करना है क्योंकि मिक्सचर जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे ऐसे ऊपर से लेवल कर दे, आप चाहिए तो चम्मच में थोड़ा सा घी लगा के उसके बाद ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर दे, तो उससे ऊपर का जो टेक्स्चर है वो स्मूद हो जाएगा।
और अब हम इस मिठाई को क्या करेंगे कि जमने के लिए रख देंगे। तो सेट होने के लिए इसे कम से कम 2 घंटा लगेगा, लेकिन पहले हम 15 से 20 मिनट इसे ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे कट लगा देंगे। तो इसे ऐसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15-20 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो टेक्सचर है वो हल्का सा सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसे नाइफ से ऐसे कट लगा देती हूँ। ये करना ऑप्शनल है, आप चाहिए तो मिठाई को पूरा सेट हो जाने दें, उसके बाद आप इसे काट सकते हैं। लेकिन कभी कभी चीनी ज़्यादा हो जाए या फिर घी कम हो जाए तो मिठाई जो है वो हार्ड हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है ना, जब मिठाई सेट हो जाती है तो उसे काटने में वो टूटने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि नाइफ से इसे ऐसे कट लगा दें, और जब मिठाई अच्छी तरह जम जाए तब आप इसे हल्के हाथों नाइफ से ऐसे चलाएंगे ना, तो फटाक से मिठाई निकल जाएगी और मिठाई जो है वो टूटेंगे भी नहीं। तो ये करना ऑप्शनल है, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ना वो घी मैसूर पाक है, ये तो पहले ही सॉफ्ट होगी, तो इसमें ऐसे कट लगाने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन मैंने ये टिप आपको इसलिए बताया कि जब भी आप कोई मिठाई बनाए तो इसमें ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तब हम इसे ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटा हो चुका है यहाँ पे, और ये हमारी मिठाई जो है वो अच्छे से सेट हो गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर का जितना घी था वो एब्जॉर्ब हो गया मिठाई के अंदर। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने से पहले क्या करें, नाइफ से किनारों को ऐसे स्क्रैच कर लें जैसे हम केक निकालते वक्त करते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पे नाइफ से मैंने स्क्रैच कर दिया है किनारों को। अब हम एक प्लेट रखेंगे ऐसे उल्टा, और इसके बाद इसे ऐसे फ्लिप करके हल्का सा ऐसे ऐसे टैप करें, और ये निकल जा बाबा, हाँ निकल गया। तो ये हमारी मिठाई जो है वो बनके तैयार है। ये देखिए ऊपर का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ आया है। तो अगर आपने कट नहीं किया है तो आप इसे ऐसे काट सकते हैं, और अगर आपने पहले से कट लगा के रखा है तो बस इसे क्या करना है कि इसके ऊपर हल्का सा नाइफ चला दें। तो यहाँ पर ये हमारा मैसूर पाक जो है वो बनके तैयार है। तो यहाँ पर नाइफ से इसे वापस ऐसे एक बार हल्के हाथों कट कर लें। ये देखिए अगर कट लगाया हुआ है ना तो इसे निकालना बहुत आसान होता है। तो अगर आपको छोटे पीसेस चाहिए तो वैसे काटे, अगर आपको लंबाई में चाहिए तो वैसे काटे। मिठाई की डिज़ाइन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये हमारी मिठाई जो है वो बनके तैयार है, और यहाँ पे एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर जो है वो एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे चौकोन बर्तन में जमाएंगे तो किनारों को काटना नहीं पड़ता है, लेकिन हमने इसे गोल बर्तन में जमाया है, तो इसके लिए इसे शेप देने के लिए किनारों को काट के निकाल दें। किनारों को काट के खा लेना, इतनी मेहनत की आपने बनाने में, मैं तो इसे खा ही लूँगी। तो यहाँ पे ऐसे मैं निकाल लेती हूँ, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर शेप का मिठाई जो है वो बनके तैयार है। ये देखिए है ना, एकदम सही बना हुआ। मिठाई को सेट होने के लिए फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। तो ये हमारा मैसूर पाक बनके तैयार है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और ये देखिए। तो मैंने इसे थोड़ा सा किनारों से और काट दिया है, थोड़े से साइज में छोटे कर दिए हैं ताकि अच्छा दिखे। तो ये हमारे मैसूर पाक बनके तैयार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिठाई मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये वाला तो अच्छे से सेट है ना, इसे नहीं तोड़ती हूँ, और ये जो बचा खुचा साइड का पीस है इसमें से एक पीस मैं ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्स्चर है ना, बाजार से भी अच्छा, और हमने इसमें सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की है। ये देखिए सॉफ्ट एकदम मलाई जैसा। तो ये हो गया हमारा घी मैसूर पाक। अभी मैं आपको और एक डिफरेंस दिखाती हूँ कि जब हम ज़्यादा घी डाल के बनाते हैं तो मिठाई जो है वो ऐसी दिखती है जो मैंने अभी बनाया इस वीडियो में। ज़्यादा घी डालने की वजह से ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं। लेकिन मैं आपको और 2 मिठाई दिखाती हूँ जो मैंने कम घी से और बेसन को भून के बनाया है। तो यहाँ पे ये 2 मैसूर पाक है जो मैंने कल बनाए थे। तो ये वाला मैंने आधा कप घी से बनाया था। तो अगर आप आधा कप घी, मतलब 1 कप घी की जगह आधा कप घी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये मिठाई थोड़ी सी हार्ड बनेगी। ये देखिए दोनों के टेक्सचर में आपको डिफरेंस दिखेगा, ये वाले एकदम स्मूथ और ये वाले थोड़े से स्टिफ दिखेंगे, लेकिन टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद है तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गए कम घी वाले। और अगर आपको जालीदार मैसूर पाक चाहिए ना, जो दुकानों में मिलते हैं, तो उसके लिए बेसन को पहले भून लें, मतलब सूखा भुने 4 से 5 मिनट तक, उसके बाद सेम प्रोसेस से इसे बनाएं। तो ये वाले जो मैसूर पाक होते हैं वो ऐसे बनेंगे, ये जालीदार, ये देख सकते हैं। अगर आपने इसे और ज़्यादा पकाया तो और भी ज़्यादा जाली आएंगी। तो मैसूर पाक बहुत तरीके के बनते हैं, जो भी रेसिपी आपको पसंद आए आप उस तरीके से इसे ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।